नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पाठ योजना या शिक्षण योजना, कक्षा 6, विषय हिंदी, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे विभिन्न सामाजिक मुद्दों, भ्रमण, विभिन्न कार्यक्रमों आदि पर अपनी अभिव्यक्ति लिखित रूप में देते हैं। बच्चे अपने से भिन्न परिवेश की भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा पर बात करते हैं और अपने को उससे जोड़ते हैं। प्रकरण है ईदगाह, भाग 3। सहायक सामग्री, शाम पर चौक, पाठ्यपुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे पाठ के द्वितीय भाग से संबंधित सामान्य परिचर्चा करेंगे तथा कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि बच्चों, हामिद के मित्रों के क्या नाम थे, हामिद के मित्रों ने क्या क्या खिलौने खरीदे, हामिद ने खिलौनों के बजाय चिमटा क्यों खरीदा। यह बच्चों के लिए एक विचारणीय प्रश्न होगा। इसके पश्चात शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम ईदगाह नामक पाठ के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण करते हुए बालक हामिद के प्रति दादी के वात्सल्य को और दादी के प्रति हामिद के प्रगाढ़ प्रेम को दिखाया गया है। 11 बजे क्या समझता, शिक्षक पूरे हाव भाव, आरोही अवरोही क्रम तथा लय के साथ पाठ का वाचन करेंगे तथा उसका सारांश बच्चों को बताएंगे। पाठ को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि मेले से लौटने पर थोड़ी देर बाद ही सभी लड़कों के खिलौने टूट फूट गए। उधर हामिद के घर पहुंचने पर दादी ने उसके हाथ में चिमटा देखा। हामिद ने बताया कि वह उसे 3 पैसों में खरीद कर लाया है। दादी को उस पर गुस्सा आया। हामिद ने कहा कि खाना बनाते समय उसकी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए वह चिमटा खरीद लाया। यह सुनकर दादी का हृदय स्नेह से गदगद हो गया। वह आंसू बहाते हुए हामिद को दुआएं देने लगी। इसके पश्चात शिक्षक छात्रों को पाठ से संबंधित दीक्षा ऐप पर वीडियो दिखाएंगे तथा पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ शामपट से देखकर लिखने के लिए कहेंगे। शामपट का अर्थ शब्द अस्थि, हड्डी, आनन फानन, तुरंत, शीघ्र या तत्काल, प्रगल्भ, वाक्पटु या बोलने में चतुर, जब्त, सहन या बर्दाश्त, ईद का मुहर्रम होना, सारी खुशी का शोक में बदल जाना। शिक्षण के पश्चात पठित पाठ्य सामग्री की परख के लिए शिक्षक छात्रों से निम्न वाक्यों को कहानी के क्रम में लगाने के लिए कहेंगे। सहसा ईदगाह नजर आया, हामिद ने चिमटा खरीदा, अमीना परेशान थी, हामिद को अकेले मेले में कैसे जाने दे, बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया, नमाज खत्म होने पर लोग गले मिले, चिमटे ने सबको मोहित कर लिया, अमीना दामन फैलाकर दुआएं दे रही थी। इसके पश्चात प्रदत्त गृह कार्य, पाठ के आधार पर निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, जिसका जवाब ना हो, जिसे सहा ना जा सके, मन को हरने या आकर्षित करने वाला, जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसको जीता ना जा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।